मेरी भाभी के फुटप्रिंट्स। अब जल्दी नहा के इसको पहन लेता हूँ। और इसने जो अपना वादा करा था वो इसने पूरा निभाया है। पी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी कुछ नहीं हो रहा मुझे यार। हैप्पी एनिवर्सरी टू लखन एंड नीतू। खुशियां मिले जिंदगी के बाद। खुश हाँ मेरी ठीक है। इसको भी वही हो रही है ना, जैसे हो जाती है वही एंजाइटी और ऐसे वही बेहोशी सी। अच्छा मैं भी अब डिस्चार्ज होने वाला हूँ थोड़ी देर में। हो जाऊंगा। ये क्या दिखा रही है? अच्छा भूची ब्राउनी में। ओए लकी बिना लेना ले तो मम्मी देख ला यार। ला नीतू को तो देखा। नमस्ते, बहुत बहुत जन्म उसकी शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सो नीतू लकी तुम्हारी शादी 1000 साल तक तुम शादी के जन्मदिन ऐसे वो शादी की वर्षगांठ ऐसे ही मनाओ। और देख दोनों कितने अच्छे लग रहे हो। मैचिंग हाँ। अरे वाह 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 मेरे हीरो हीरोइन ठीक है। लो और दिखा दो इन्हें ये सभी। बढ़िया हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ ले ले। ओ सोनी क्या हो रहा है बंदर? हाँ अब मैं डिस्चार्ज दाढ़ी। अब बेटा अस्पताल में हूँ 2 दिन से, दाढ़ी कहाँ बनती है। अब जाके घर बनाऊंगा जब आप डिस्चार्ज हो जाऊंगा। अच्छा तो लकी नीव करोड़ी बाबा के दर्शन को जा रहे हैं ना? हाँ ठीक है बढ़िया से दर्शन करना वहाँ। और सुन जरा सुन मूंगफली मूंगफली से ले जाना वहाँ, बंदर बंदरों को डाल देना जरा। हाँ चलो बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत चलो कब आएगा लौट के बेटा? ठीक है बेटा ठीक है भाई। ओके बाय बेटा खुश रहो बेटा। और देखो और गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। और देखो ये पेशेंट अब सही होके और डिस्चार्ज हो गया हूँ मैं और अब मैं जा रहा हूँ। लो भैया ये दो बोतल। पेशेंट तुम्हारा ठीक है एकदम, लेकिन जब पेशेंट के साथ तीमारदार आ गया क्या करना है? और उनको जन्मदिन की बहुत और आज लखन और नीतू की पहली वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी की वर्षगांठ पहली, और उस पे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हमारा आशीर्वाद हमेशा बना रहे आप बच्चों पे। खूब तरक्की करें, खूब खुशहाल हो, स्वस्थ रहें और जीवन में खुशियां ही खुशियां पाएं मेरे बच्चे। और जहां भी रहें खुश रहें। अच्छा मेरी एक चीज है, मैं किसी भी होटल में रुकता हूँ ना कोई चीज बस्ती वहां से पूछ नहीं जाता, पर कंघा जरूर ले आता हूँ। हाँ जी और थैंक यू आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान। थैंक यू। आई विश कि आप दोबारा से आप लाइक जैसे बीमार बस। पर आपके हॉस्पिटल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबके सबके परिवारों में सबको उधर भी थैंक यू बोलूंगा सबको। और अब जो जा रहे हैं थैंक यू आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपको भी सबको बहुत 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 अच्छा थैंक यू। थैंक यू सो मच बेटा आपको बहुत विशेष धन्यवाद देकर बहुत अच्छा आपने बहुत ध्यान किया बहुत थैंक यू बहुत धन्यवाद।
किसी और के लिए भी जगह छोड़ दो। बाय। हमारे जगह की तो ये थे ये बकरी को बांधने बुलाया। हेलो इसका बकरी और बकरे से बहुत गहरा रिश्ता है। इसकी एक हड्डी टूट गई। हड्डी काय को तुलवा रहे हो? सुनो इसकी एक आंत है उसका ऑपरेशन हुआ तो इसके पूरे गांव वाले ये कहेंगे बकरे की आंत लगे बकरे तो बकरी और बकरे इसका गहरा नाता है। एल्जियम का कुछ है ना है पर क्या क्या आप गांव में हो क्या मैं क्या कह गांव में हो गई नई बात है उसके बकरे की आंत लगी अब क्या कहा जा सकता है। नॉन स्टॉप ना है मारते का हाथ तो थाम ले कहते हैं कि जवान थोड़ी थाम लेंगे ये बात कहने वाला सोच समझ के कहियो कुछ एक ऐसा फील हो रहा है निकल बाहर जाके बाहर निकल के ऐसे लग रहा है जैसे कैसे तहखाने में से बाहर निकल गया। हालांकि अपने देखो अच्छाई के लिए अपने बीमार भी उसके सही होने के लिए ही थे यहाँ पे पर मन नहीं लगता बंदे क्योंकि हमारा आदत है नहीं ना बंदे कमरे में बैठे जा रहे हैं हॉस्पिटल से और तबीयत खराब भी हो जा रही है क्योंकि अब इसको रेस्ट करना है। वो घर में रेस्ट अच्छा होता है। दवाई तो ले ली है इसने ये दवाई खा के एक दो घंटे इसको सोना पड़ेगा तब ठीक होगी। पूरा दिन हॉस्पिटल में निकला है पूरी रात भी ना सो पाई ना रेस्ट कर पाई ऐसा ना जब इनकी घर पे भी तबीयत खराब है तो जब भी तो जगह नहीं पड़ा फिर 2 बजे हॉस्पिटल लेके आ गए 2 बजे से फिर तो वही रहा कल परसों की रात कल की रात। चलो मैं ठीक हो गया फिर सब लोग अच्छा एक चीज और है ये सब लोगों ने मेरे मेरे स्वास्थ्य के लिए मुझे जल्दी सही होने के लिए जल्द स्वस्थ होने के लिए सब लोगों ने कामनाएं की सब ने ईश्वर से दुआएं की सब ने मुझे शुभकामनाएं दी उन सब का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत सबको मैं बहुत कमेंट्स आ रहे हैं भाई बहुत 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 धन्यवाद सबका भाई आप लोगों ने बहुत मतलब जो मैं यहाँ पे टाइम जो नहीं कट रहा था बेड पे एक रूम में हॉस्पिटल के में लेकिन आपके मैसेज और वो आपके कमेंट्स पढ़ रहा था बहुत अच्छा रहा था और हो सकता है कि जल्दी सही होने की वजह भी ये आपकी जो शुभकामनाएं जो शुभ दुआएं हैं शायद इसी वजह से मैं बहुत जल्दी सही हुआ हूँ। आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और पता है मेरे को तो एंजाइटी जो हो गई ना सोच सोच हो गई कि इन्हें कुछ नहीं होना मतलब होना चाहिए तबीयत खराब इनकी नहीं होनी चाहिए मेरे को चाहे मैं अपने झेल लेती हूँ मेरे को ये सोच सोच के बीमार हो गई। चलो अब मैं बहुत ध्यान रखा करूंगा क्योंकि हाँ अब आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। हाँ सच कह रही हूँ मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। अरे नहीं नहीं यार कुछ नहीं हो रहा मुझे यार कुछ नहीं अरे ऐसे क्यों नहीं ऐसे नहीं कोई नहीं देखता कोई। मैम ने बहुत सही बात बोली अब आपको मैम के लिए अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तेरी देखियो तेरी देवी माँ हनुमान जी हमारे सब दही देवता है ना सब देखियो सब लोग है ना सबका सब की कृपा आशीर्वाद है और तेरे तो इतने जो फैंस फॉलोवर्स है ना इन सब की भी शुभकामनाएं शुभ दुआएं हैं देख अच्छे ये सब तेरे कमाएंगी। नहीं सब लोग वहाँ बहुत अच्छे लोगों ने कितने कॉमेंट्स किए कितने मैसेज किए तो कितने परेशान थे ये जान के मैं सच में यार ये इसको बोलते हैं सच में दिल लोगों से इन्हीं फैमिली से हम जीत रहे हैं कि जो मैं भी इतनी जल्दी से ठीक हो गई रिकवर हो गया मेरा ये भी एकदम जल्दी से हो गया बस आप अच्छा लोग सोचेंगे कि वैसे कह रहे हैं सच में ये दिल से निकली हुई बातें हैं ये इसको इसी को सच में तो अपनापन बोलते हैं कि जो जहाँ से भी है वहीं से कोई प्रे कर रहा है कोई दुआ दे रहा है कोई शुभकामनाएं दे रहा है कोई परेशान हो रहा है कोई बेचैन हो गए लोग बहुत सारे कि आपको क्या हुआ जल्दी से यही तो अपनापन है आप सब लोगों से बहुत अपना और ये मैं सच कहता हूँ आप सबका जो प्यार है ना ये किसी ईश्वर के वरदान से ये भी कम नहीं है। अब ये रेस्ट करेगी 1-2 घंटे ठीक हो जाएगी दवाई तो दे दी डॉक्टर साहब ने ये मेरे चक्कर में सोच सोच के हो गई है इसको परेशान हो चल। तो गाइस आज है फाइनली वो स्पेशल डे जरा ढूंढते हैं वो टी शर्ट कहाँ है और ये देखो यार ये ना मेरी सारी ऑलमोस्ट सेम ही टी शर्ट है वी नेक की ब्लैक और व्हाइट कलर में सारी लाइन से क्योंकि मेरे को ये एक ही डिजाइन पसंद है तो ऐसी कम से कम मेरे पास होंगी ऑलमोस्ट 30-40 टी शर्ट होंगी मैं यही रिप्लेस करके पहन देता हूँ सब सेम
अब इसमें हमें ढूंढनी है सबसे स्पेशल वाली। ओ ये दिख गई मेरे को, ये जो आज मेरे को पहननी है। चलो भाई मैं जल्दी से नहा लेता हूँ। ये रे हमारी भाभी के फुटप्रिंट्स, अब जल्दी नहा के इसको पहन लेता हूँ। बाहर आके कितना अच्छा सा फील कर रहा हूँ मैं, मुझे मैं दो दिन से एक ही रूम में हॉस्पिटल के में, बहुत अजीब सा ऐसा। अच्छा मुझे तो अंदर रहने की आदत ही नहीं है, मैं तो हॉस्पिटल के गेट उसको अपने रूम के गेट को भी खुलवा लेता था, मुझे तो घुटन सी होती है बंदो। हाँ भाई, अरे भाई कैसे सो रहे हो? एक ये बड़ा हाँसी कहाँ है? अरे वाह वाह बहादुर, हमारा बहादुर। अरे मुझे हॉस्पिटल में खाना मिला था, बहादुर ने भी वहां से ना, बहादुर ने खिचड़ी बहुत टेस्टी खिचड़ी बना के भेजी। मैंने हॉस्पिटल वाली तो नहीं खाई, मैंने बहादुर वाली खाई हॉस्पिटल। नमस्ते नमस्ते बाबू जी, लोग आए ये लखन ने टी शर्ट पहनी है, जो लखन ने ओ सॉरी दवाइयों में यार वो दवाइयों में असर है भी उसी का सा थोड़ा। और ये देखो रिकी ने यश ने टी शर्ट पता है कौन सी पहनी है, जब लखन की शादी होके आई थी तो नीतू जब घुस रही थी तो इसने नीतू के पैर लिए थे अपने इस पर टी शर्ट पर, और इसने कहा था कि भैया भाभी मैं आपकी पहली एनिवर्सरी पर मैं ये इसको पहनूंगा। देखो ये नीतू के पैर हैं, ये नीतू के, और इसने जो अपना वादा करा था वो इसने पूरा निभाया है। सच में यार तू, मैं पहली एनिवर्सरी पर पहनूंगा, और देखो उसने पहनी, ये होता है बैक में भी, ये देखो ये जैसे ऐसे रखे थे तो पार निकल गए थे। तो ये होता है वादा करके पूरा निभाना आपसे, तो जो रिकी ने करा रिकी, ये तुमने वादा करके निभाया पूरा। देखो ये हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा और सबसे अच्छा बच्चा, देखो ये हमारा बहादुर, बहादुर बिल्कुल ऐसे भावुक सा हो गया, बिल्कुल मुझसे चमट गया हमारे सबसे ये सब। और ये सब हमारे देखो, अरे तुम सब लोगों की तो शुभकामनाएं शुभ दुआएं हैं, और मेरा बहादुर सब एकदम से ये हो गया, मैं सुबह कितना खुदा मैं पानी वानी रख के गया। देखो आ जाओ, ये हमारे किचन वाले हमारे यही हमें खाना खिलाते हैं, देखो कितने अच्छे हैं सब। उस दिन हम टेंशन में, मेरे ये हमारे परिवार के सदस्य हैं बिल्कुल, परमात्मा करे हमारी आरोग्य भी आपको लगे सर। अरे कैसी बात कर रहे हो, नहीं बस आपके नीचे हम छत्र छाया में हम लोग नहीं, नहीं ईश्वर की छत्र छाया ईश्वर की है, हम सब तुम लोग तो बस एक दूसरे के एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे का साथ देने के लिए ही ईश्वर ने बनाए हैं। हमारे बहनों साहब की तबीयत खराब रहती है, पर ये भी वहाँ पहुंच गए, ये भी अभी हॉस्पिटल से आए हैं हमारे साथ में। ये अच्छा स्टाफ जो मिलता है ना, ये भी एक गॉड गिफ्ट होता है, और आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है कि हमारे बच्चों में सबसे पहले जो शादी हुई थी लखन के नीतू की, जो हमारे बड़े बेटे की शादी हुई थी, अभी मेरे बच्चों में एक ही शादी हुई है, और वो शादी आज के दिन हुई थी 28 फरवरी को, आज उनकी शादी की सालगिरह, उनको भी बहुत शुभकामनाएं, और जितने भी लोग शादी में शामिल हुए थे उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन सबको भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं, आप थोड़ा लाइट देख के अंदाजा लगा सकते हो शाम का वक्त है, और ये भी देख सकते हो ऐसा नहीं है कि भाई बस मैंने रील बनाई और मैंने उतार दिया, नहीं, अगर मैंने बोला था मैं पहनूंगा तो मैं पूरे दिन पहनूंगा, अभी कल ही उतरेगी जब मैं नहाने जाऊंगा। सब जने लखन और नीतू की आज वेडिंग एनिवर्सरी है पहली, है ना?
सब लोग सब काम है बहुत बहुत बधाई हैप्पी बर्थडे और लक्ष्मी नाम बोल रहा दोस्त सचिन भी हुई है भारी दोनों को और एनिवर्सरी की शुभकामना कौन देगा तुमने लड्डू ले लिया हाथों में पहली वेडिंग एनिवर्सरी डॉक्टर आज मैं रात में करने वाले थे मैंने कि बिल्कुल नहीं रुकूंगा 11 बजे तो मैंने ये कह दिया मैंने नहीं होगा भाग जाऊंगा यहाँ से मैंने तुरंत आज मुझे बच्चों का मैंने यार शादी की सालगिरह मनानी है और यहाँ भगवान जी खिला दी और देखो यहाँ पे दीप करोली बाबा को भी और यहाँ पे मैंने बाबू जी को भी खिलवा दी उन सबको दे देना ये मिठाई ठीक है और बताना सब लोग लखन को नीतू को आशीर्वाद दें सब लोग उनको शुभकामनाएं दें हम लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं सबको खिलवा दो और ये देखो ये लड्डू कौन कौन रह गए भाई खा लो जल्दी आओ जल्दी आ जाओ बोलो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बोल रहे उनके लिए दोनों को लखन भैया और उनके लिए अच्छा हाँ उनके लखन भैया को शादी की बहुत बहुत बधाई वेडिंग एनिवर्सरी की बधाई तो दो लखन भैया को भैया भाभी को शादी का सालगिरह बहुत बहुत शुभकामनाएं बाद में बोलो भैया एंड भाभी उधर देख के हैप्पी बर्थडे बर्थडे ना तो एक साल हो गया हैप्पी बोलो हैप्पी न्यू ईयर न्यू ईयर भी ना अरे हाँ अरे मजा कर रहा था चलो आपको ठीक से बोलते हैं हैप्पी एंड भाभी हैप्पी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी क्या बोलते हैं वेल्डिंग एनिवर्सरी हैप्पी वेल्डिंग नहीं यार वेल्डिंग नहीं वेल्डिंग होता है लोहे वाले का वेल्डिंग एनिवर्सरी हैप्पी वेल्डिंग एनिवर्सरी हैप्पी बिल्डिंग क्या यार एक तो जल्दी बोलो पनीर निकल रहा है छोड़ो सीधा पूछ लो घर आके क्या खाओगे बस घर आके क्या खाओगे एनिवर्सरी विश न कर पा रहे यार क्या है पका है तो बोलना सालगिरह मुबारक हो हां सालगिरह मुबारक हो भैया भाभी और अब हम जा रहे हैं यहां लेबर कैंप है वहां पे बहुत वहां झुग्गी झोपड़ी लेबर कैंप और उधर जा रहे हैं मिठाई लड्डू बांटने के लिए चलो जल्दी से हाँ वहाँ सब बच्चों को आज के लखन और नीतू के सबका मुंह मीठा कराने जा रहे हैं उनकी एनिवर्सरी पे और देखो ये केक आ गया है अब थोड़ी देर बाद केक कटेगा और ये केक मंगाया है बम्मू ने मंगाया रिकी ने ये केक मंगाया है सैंडी ने ये सैंडी ने मंगाया है अच्छा मैं समझ रहा था तेरे यार रिकी ने ये सैंडी ने मंगाया है केक एनिवर्सरी पे वो काटने का और बोलो लखनीत का जन्मदिन मुबारक हो सुनो सब बोलो लखनीत की शादी की सालगिरह मुबारक हो और अब यहाँ गेटों पर जितने भी ये सब गार्ड हैं सब यहीं आ जाओ सब आ जाओ उधर दे देंगे चलो बांटो चलो अभी दूसरे गेटों पे भी चलेंगे ना सारे गेटों नमस्ते लड्डू खाओ पहले लखन की मैरिज एनिवर्सरी आज की खाओ खाओ बच्चों आप भी लो लो और देखो ये मम्मू की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है अभी तो और ज्यादा होगी क्योंकि वहाँ इसको एंजाइटी हो रही है बहुत ज्यादा
मेरे बेटे की फर्स्ट मैरिज है। मिनी मार्ट से बोल रहे, बताओ लखन की सोच समझ के लेंगे। किसी की सब बेटे की फर्स्ट मैरिज है। अरे वेरी गुड सर, वेरी गुड। थैंक यू सर, वीडियो बन गया। चलो बहुत ज्यादा तबियत खराब, बहुत इसको कल से ही मतलब इस पर उठा भी नहीं जा रहा। बहुत बड़ी मुश्किल से लड्डू बटवा के आई है। लो जल्दी जल्दी कटवा दो, इसको ज्यादा खड़ा नहीं हो जा रहा। और ये एक मोमबत्ती लगाई क्योंकि पहला एनिवर्सरी है। आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। हाँ ले पूनी, ये हाथ देखो। लो, हैप्पी एनिवर्सरी टू लखन एंड नीतू। और सबसे पहले लखन की मम्मी को एक थोड़ा सा, थोड़ा सा लखन की मम्मी पैदा तो इन्हें किया था ना। ले बेटा, और अब रुक जाओ पहले, अभी सैंडी लो। अब आप खाओ। अच्छा, पर मुझे डॉक्टर ने मना कर रखी है, थोड़ी सी तो खाऊंगा। अब सब लोगों को दे दो। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी।